दीपावली रहे तैयार मां लक्ष्मी और धनाध्यक्ष कुबेर आ रहे हैं आपके द्वार लेकर सुख समृद्धि कीर्ति वैभव अपार दीपावली एक ऐसा पर्व है जो अमावस्या की काली अंधेरी रात को भी प्रकाश पर्व में बदल देने की क्षमता रखती है अब आप ही सोचिए कि ये पर्व क्या आपके जीवन के अभाव अशांति कलेश को नहीं मिटा सकती जी हाँ मिटा सकता है यदि आपको भी आशीर्वाद मिल जाए ईश्वर का मार्गदर्शन मिल जाए गुरु का सहयोग मिल जाए दिव्य शक्तियों का प्रभावशाली मंत्रों का और विलक्षण सामग्रियों का तो आप भी बदल सकते हैं अपना जीवन इस दीपावली पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ साक्षात मां लक्ष्मी को आमंत्रित करें इस अमूल्य अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और प्राप्त करें समृद्धि शांति सुख सफलता पूरे वर्ष भर इस कलश में समावेश है सत्ताईस विलक्षण सामग्रियों का इन एक एक सामग्री को मंत्र जाप अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्री माली जी के सानिध्य में विद्वान कर्म कांडी पंडितों द्वारा ताकि आपको मिले धन यश कीर्ति वैभव तो देर किस बात की एक क्षण भी व्यर्थ करवाए बिना आज ही अभी ऑर्डर करें दीपावली पैकेट का और इस बार रोक ही ले माँ लक्ष्मी को चिरकाल तक के लिए नमस्कार मैं हूं कमल श्रीमाली आपका स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस प्रोग्राम में हमारे इस चैनल में इस नए एपिसोड में आज मैं बात कर रहा हूँ नवरात्रि उपासना की और विशेषकर त्रि शक्ति उपासना की कि क्यों नवरात्रि में हर व्यक्ति त्री अच्छा तीनों ही शक्तियों की उपासना करता है मां काली महाकाली लक्ष्मी माँ सरस्वती तो आश्विन मास में आने वाली शारदीय नवरात्रियाँ महापुण्यदायक रात्रियाँ हैं इन रात्रियों में शक्ति उपासना करके सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है इन रात्रियों में तीन शक्तियों अर्थात दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा आराधना करके इन देवियों की उपासना करके जीवन को सर्वसुख सर्वसंपन्न बनाया जा सकता है इस दुष्कर जीवन को स्वयं के अनुकूल बनाया जा सकता है ऐसा माना जाता है तथा ऐसी धार्मिक मान्यता भी है कि इन्हीं तीन शक्तियों से ही इस प्राणी जगत की समस्त शक्तियों का प्रादुर्भाव तथा संचरण हुआ है शारदीय नवरात्रि की पवित्र नौ रात्रियों में से पहली तीन रात्रियों में आदिशक्ति दुर्गा अगली तीन रात्रियों में अर्थात मध्य तीन रात्रियों में महादेवी लक्ष्मी और अंतिम तीन रात्रियों में देवी सरस्वती की शक्ति साधना या शक्ति पूजा उपासना की जाती है जब इन तीन आदि महाशक्तियों की उपासना और साधना द्वारा इन्हें धारण कर अर्थात कहने का तात्पर्य एक व्यक्ति अपनी आंतरिक और बाहरी आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तब दसवें दिन आधुरी शक्तियों पर विजय के उपलक्ष्य में विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है व्यक्ति को यह विजय तभी प्राप्त होती है जब वह आश्विन मास के इन विशेष दिनों में महाशक्ति के त्रिगुणात्मक स्वरूप की पूजा करे उपासना करे साधना करे सबसे पहली शक्ति अर्थात दुर्गा माँ दुर्गा को दुर्गति नाशनी भी कहा गया है जिसका अर्थ है कि वह दुर्गुणों को नष्ट करने वाली है दुर्गा की दुर्गा को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है महिष का शाब्दिक अर्थ भैंसा होता है और यह भैंसा कहीं बाहर नहीं हमारे भीतर ही छुपा हुआ होता है जो तामसिक वृत्ति का परिचायक है आलस्य अज्ञान जड़ता तथा अविवेक रूपी कीचड़ में इन महिष जैसे भैंसे का निवास होता है देवी दुर्गा की साधना इसी तामसिक महिष के विनाश के लिए की जाती है देवी दुर्गा को हवन करते समय बलि देने की जो बात की जाती है वह किसी प्राणी या पशु की बलि नहीं है हमारे अंदर के महिष अर्थात पाश्विक तामसिक व्रतियों की बलि का सूचक है प्रथम तीन रातियों में शक्ति दुर्गा की पूजा उपासना की जाती है आइए अब बात करते हैं जो बीच की तीन रात्रियां हैं अतः नवरात्रि के बीच के तीन दिन जिसमें लक्ष्मी की पूजा उपासना होती है हमारा जीवन उन्नत बन सके मन एकाग्र हो हमारा अंतकरण पवित्र हो सके इसलिए महादेवी लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है जीवन का सच्चा धन तो कुछ और है वस्तु तो लक्ष्मी अन्य धन की भी प्रदाता देवी है वह धन है अनुशासन अथा स्वयं का अपने मन पर नियंत्रण यदि आत्मसंयम नहीं हो तो जो वैभव जो भौतिक साधन संपदा आपने आप कमाई है इकट्ठी की है वे सभी नष्ट हो जाएंगे सच्चा ऐश्वर्य है आंतरिक समृद्धि अर्थात इंटरनल स्ट्रेंथ इंटरनल प्रॉस्पेरिटी यह आंतरिक समृद्धि हम अपने जीवन में देवी के स्वरूप की साधना करके प्राप्त कर सकते हैं तथा हमारा चित्त भी इससे शुद्ध हो सकता है सद्गुणों का ऐश्वर्य ही लक्ष्मी का सच्चा स्वरूप है अतः आपके पास सद्गुण ऐश्वर्य रूप इकट्ठे हो जाए उससे बड़ा सच्चा आपके पास में पूंजी क्या हो सकती है ऐश्वर्य क्या हो सकता है नवरात्रि पर लक्ष्मी की जिस रूप में साधना की जाती है वह मूल रूप से अर्थ लक्ष्मी नहीं है लक्ष्मी का वह स्वरूप है जो व्यक्ति को आंतरिक शुद्धता प्रदान करता है जीवन के इसी सच्चे धन को प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के मध्य की तीन रात्रियों अर्थात चतुर्थी से लेकर के ष्ठी तक लक्ष्मी की पूजा उपासना की जाती है आइए अब बात करते हैं सरस्वती की नवरात्रि की तीन अंतिम रात्रि वह सरस्वती साधना के लिए सरस्वती पूजा के लिए सरस्वती की कामना के लिए उपयुक्त मानी गई है दुर्गा द्वारा दोषों के नाश और लक्ष्मी द्वारा चित्त की शुद्धि के बाद में ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और सरस्वती ज्ञान की देवी है चित्त पर विजय केवल ज्ञान के, के खड़ग से ही प्राप्त हो सकती है सरस्वती आत्मज्ञान के सर्वोत्तम रूप का कर प्रतिनिधित्व करती है रिप्रेजेंटेशन करती है वेदों में यदि देखें तो अनेक प्रकार के ज्ञान है लेकिन असली ज्ञान आत्मज्ञान ही है आध्यात्मिक ज्ञान ही चरम ज्ञान है श्रीमद भगवत गीता में भगवान श्री श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं अपनी आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है इस प्रकार नवरात्रि में आदि शक्तियों की साधना ही अपने आप में पूर्ण साधना है अब एक बात और उठती है एक जिज्ञासा और है कि नवरात्रियां अतः रात्रि में ही साधना क्यों दिन में क्यों नहीं तो नवरात्रि की रात्रि कालीन साधना के पीछे संदेश यह होता है कि उस तमोगुणी निंद्रा से जाग जाने का अंदर बैठा तमोगुण रूपी महिषासुर निरंतर इस प्रयास में रहता है कि यह व्यक्ति इस निंद्रा से जाग न सके क्योंकि जैसे ही जागने की क्रिया आरंभ हुई नहीं और महिषासुर पर संकट आ जाएगा उसके परास्त होने की क्रिया आरंभ हो जाएगी रात्रि में जागने का अर्थ है निंद्रा को छिन्न भिन्न कर देना इस प्रकार नवरात्रि के नौ रात जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को पूर्ण रूप से नष्ट करके ज्ञान का प्रकाश आलोकित करने के दिन है नवरात्रि के दिन भय निर्बलता को दूर करके स्वाभिमान और निर्भन और निर्भयता प्राप्त करने के दिन है वहीं नवरात्रि जीवन की दरिद्रता को पूर्ण रूप से समाप्त करके लक्ष्मी को आपके जीवन में स्थापित करने के साधना दिवस भी है आप क्या करना चाहते हैं इस नौ दिनों में या इन नौ रात्रियों में क्या आप ऐसे ही जैसे कि सात तीन सौ पैंसठ दिन में से कुछ दिन आप आराम से गुजार देते हैं या ज़्यादातर दिन आप अपने ही कामों में व्यस्त होकर के गुजार देते हैं ठीक जिस प्रकार के ऑफिस जाने वाले लोग ठीक है सोमवार से शुक्रवार या या बहुत से लोग सोमवार से शनिवार तक निरंतर ऑफिस के काम करते सुबह नौ बजे अपने ऑफिस चल जाते हैं शाम को छः बजे वापस घर पे हट जाते हैं उसके बाद में वही बच्चे वही आपका घर संसार वही टीवी, वही मोबाइल वह सब कुछ वैसा ही देखना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं यदि और कुछ करना चाहते हैं जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं जो कुछ आपके पास में उसी से संतुष्ट नहीं है यदि आपको अपने स्वयं को जानना है और यदि आपने ऐश्वर्य कमाना है यदि आपने शक्ति कमानी है अच्छा स्वास्थ्य कमाना है और दूरदृष्टि कमानी है तो यही वो नौ दिन है जब आप बाकी सब चीज़ों को पीछे छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ ये नवरात्रि के नौ दिन अच्छा नौ दिन में आप अपनी चेतना शक्ति को जागृत कर सकते हैं अपने आप को पहचान सकते हैं और आपके पहचानने से आपके परिवार को जो समृद्धि मिलेगी जो चेतना मिलेगी जो स्ट्रेंथ मिलेगी जो सांस मिलेगा उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कल किसने देखा है हम अगले साल ये कर देंगे हम ठीक है जब रिटायर्ड हो जाएंगे तब हम से ठीक सोच लेंगे पूजा पाठ के बारे में यह सब सोचने से अच्छा है कि आप कुछ न कुछ अभी सोचें क्योंकि कल किसने देखा है आज जो कर लेंगे और अभी जो कर लेंगे इसीलिए कावत है कि काल करे सो आज कर आज करे सो अब तो जो पूजा साधना में आप समय व्यतीत करने या जो सपना ही देख रहे हैं उस सपने को जब तक आप जिएंगे नहीं जब तक वह हकीकत नहीं बन पाएगा आपको हमारा ये प्रयास ये एपिसोड कैसा लगा हम निरंतर आपके जीवन में सुखद स्थितियां आए या आपके जीवन में अभाव ना रहे आपके जीवन में भी उजाला आए इसी का प्रयास कर रहे हैं क्यों हमारा कार्य यही है या हमारा प्रोफेशन यही है कि हम दूसरों को मार्गदर्शन करें दूसरों को राह दिखाएं आपका काम है उस मार्गदर्शन को समझना यदि वो सही लगे तो अपने जीवन में स्थापित कीजिए जीवन में अपनाइए और नहीं तो कोई बात नहीं रोजाना अखबार पढ़ते ही हैं वैसे पढ़ करके आप भी उस ज्ञान को साइड में कर सकते हैं अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा ये प्रयास हमारा ये एफर्ट आपके जीवन को क्या देता है क्या आपके जीवन में भी उजाला लाता है क्या हमारा प्रयास सार्थक होता है यह सब कुछ आपके ऊपर है आप इस एपिसोड की जो कुछ भी आलोचना है आलोचना कर सकते हैं आप चाहें तो सजेशन दे सकते हैं या आप चाहें जो भी चाहें वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिससे हमें यह पता चलेगा कि हमारा प्रयास आप तक पहुंचा या नहीं पहुंचाए अपने पूरे दिल से और अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें प्रसन्न रहें अपने जीवन में अपना अपने घर के बुजुर्गों का अपने बच्चों का और अपने जीवन साथी का बहुत बहुत ख्याल रखें अपने आसपास कहीं गंदगी ना हो पाए ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका घर और आपके घर के दस मीटर के अंदर अंदर जितनी भी गंदगी हो वो आप नहीं रहने दें अर्थात यदि आपने आरंभ कर दिया अपने आपने अपने जीवन में स्टार्टिंग कर दी तो उसके बाद में अपने आप सफाई होती चली जाएगी और साथ ही साथ आप आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाने वाले हैं क्या सिर्फ रुपया पैसा या अच्छा जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन अच्छा जीवन जीने के लिए पानी और हरियाली जब तक हरियाली नहीं होगी पानी नहीं बच पाएगा तो अपने आसपास जितने पेड़ लगा सकते हैं जितने पौधे लगा सकते हैं उतना जरूर आप ट्राई कीजिए ताकि ये जीवन और अच्छा हो सके और आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपको याद कर सके कि आप बहुत अच्छा जीवन या आप बहुत अच्छा वातावरण उनके लिए छोड़ के गए आप सभी को मेरा नमस्कार बहुत बहुत शुभकामनाएं ईश्वर आपकी रक्षा करें जीवन में समृद्ध होना सफल होना मात्र सपना नहीं है यह उपहार है आपके मेहनत का संघर्ष का लेकिन कभी कभी यह ख्याल आना भी स्वाभाविक है कि मुझे वो सब नहीं मिला जिसका मैं हकदार हूँ पेट तो आपका बचपन में भी भरता था जब आप कुछ काम नहीं करते थे जीवन में अचानक आई रुकावटें बाधाएं परेशानियाँ हमारे संतुलन को बिगाड़ देती हैं जीवन निरस अभावग्रस्त दीन लगने लगता है निर्णय शक्ति क्षीण लगने लगती है जब सभी कहते हैं कि हम भी परमात्मा के अंश हैं ईश्वर की संतान हैं तो ये अभाव क्यों यदि आप भी ईश्वर की संतान हैं तो याचना नहीं अधिकार है आपका समृद्धिशाली होना हमारे शास्त्र वेद पुराण भरे पड़े हैं इस खजाने तक आपको पहुंचाने के लिए कहा जाता है दीपावली पर्व चातुर्मास में आने वाला पर्व है और भगवान विष्णु जो लक्ष्मी को नियंत्रित करते हैं वे निंद्रा में रहते हैं इसलिए चतुरा लक्ष्मी को बुद्धि विवेक से कोई वश में कर सकता है तो वे हैं प्रथम पूजन विनायक इसीलिए दीपावली पर लक्ष्मी विनायक की पूजा करने की परंपरा है दीपावली पर्व एक ऐसा प्रकाश पर्व है जो थोड़े से प्रयास विश्वास व श्रद्धा के साथ माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है हमें समृद्धिशाली बनाने के लिए इस लक्ष्मी विनायक कलश में संकलित की गई है 21 प्रकार की विलक्षण सामग्रियों को मंत्र जाप अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा से जागृत किया है पंडित श्रीमाली जी के सानिध्य में विद्वान कर्मकांडी कांडी पंडितों द्वारा इस कलश के निर्माण करने का उद्देश्य यही है कि आपको धन और बुद्धि दोनों की प्राप्ति हो और पूर्ण हो आपकी समस्त मनोकामनाएं रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित अक्षय लक्ष्मी का भंडार